देश में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग आज है। बताते चलें कि 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। वहीं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संसद भवन और विधानसभाओं के भवनों में वोटिंग होगी। 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी और अगले राष्ट्रपति का 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं कि आज मतदान होना है देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। जहां बताते चले कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से वो बिलोंग करती हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। और बताते चले कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। वहीं संसद भवन में और विधानसभाओं के भवनों में वोटिंग की जाएगी। तो देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश में बीजेपी के निर्धारित मत से भी ज्यादा मिलेंगे। मॉक ड्रिल हुई है कल के मतदान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन महामंत्री आनंद जी, आवश्यक जानकारी और निर्देश, सभी का मतदान कल होगा। बहन द्रौपदी मुर्मू की मध्य प्रदेश से पार्टी के मतों से भी अधिक मत लेके यहाँ से जाएंगे। अधिक मत जैसे मैंने आपको सहयोग की तरह बताया, बाकी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट दे सकते हैं। हमारे लोग तो हमारे जनजाति भाई तो माननीय कमला जी से भी निवेदन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की ओर, जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों से बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये जीत ऐतिहासिक है। हम जब से सीएम बने हैं तब से अब तक नगर पालिका और नगर परिषद में ऐसी जीत नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस इसे पुलिस, पैसा और प्रशासन की जीत करार दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए।